तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आपकी रेमेडी हो वाली आप ही है, उसकी जो रियल लाइफ है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जो मेरी लाइफ है वो कुछ इस तरह की है कि मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ अपनी बेबी को, खुद करती हूँ, अपने हस्बैंड को करवाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बिकॉज अमेरिका में ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो घर में बैठ के, उनका ये सारा ये सेटअप है उनका, वो सारा यहाँ बैठ के काम करते हैं। सो मैं घर में, मतलब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था, तो हमारे घर के बिल्कुल पास में मैकडॉनल्ड्स है, तो मैंने वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरा देखा कि ये बहुत लॉयल है, और मतलब देखती है ना वो कि चोरी चोरी नहीं कर रही और पैसे इधर उधर नहीं कर रही, तो उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया। मैनेजर इस सेंस में कि यहाँ पे मैं जो कैश है वो डील मैं करती हूँ। तो या सुबह उठती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, करती हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपना घर देखती हूँ, काम शाम करती हूँ, खाना शाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं मैकडॉनल्ड जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ वीडियो में, ऑफकोर्स टिकटॉक भी बनाती हूँ मैं। तो मेरी जो लाइफ है बहुत बिजी है। सो मैं चाहूँगी कि मैं आज आपको दिखाऊँ कि मैं जॉब पे जाती हूँ और यहाँ पे अमेरिका में जॉब करना कितना इजी है, और कितना इजीली हम जॉब पे जाके ऐसे लगता ही नहीं है कि हम किसी की नौकरी कर रहे हैं, कितने इजीली हम जाते हैं और जाके ऐसे कमा के हम आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि जी मेरा ही मैकडॉनल्ड्स है। लाइक यहाँ पे जो मेरे से ऊपर वाला मैनेजर भी होता है ना, वो एक आँख पे बल तक नहीं लाता, इतना फ्रैंक होकर इतने अच्छे से बात करता है, कैसे लगता ही नहीं है कि मतलब यार हम नौकर हैं। लाइक ऑफकोर्स नौकरी करेंगे तो नौकर ही होते हैं। सो या सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बज रहे हैं 6:30, 7 बजे मैं मैकडॉनल्ड जाती हूँ, 10 बजे आ जाती हूँ, सिर्फ 3 घंटे में मैं जाती हूँ, और बहुत मज़ा आता है मुझे मैकडॉनल्ड जाके। इसलिए अगर आप कहीं जॉब करें तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, बंदा कहता है मैं जॉब पर जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है मैकडॉनल्ड जाके, और मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाती हूँ, सिर्फ 3 घंटे जाती हूँ, दैट्स इट। और इनका तो मैडम का तो आपको पता ही होगा, ये मेरी बेटी है, इनका नाम है शेजिल, और ये हमेशा कार्टून देखती रहती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी वीक में सिर्फ एक दफ़ा ऑफिस जाते हैं, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी वीक में एक दफ़ा ऑफिस जाते हैं, तो आज वो ऑफिस गए हुए हैं, तो आज की रूटीन मेरी ये है कि वो आएंगे और मैं ऐसे यूनिफॉर्म में उनके लिए लंच कह लें या डिनर कह लें, डिनर बनाऊँगी और फिर मैं काम पर चली जाऊँगी। सो आप भी मेरे साथ रहिए, आपको भी मैं आज काम पर लेकर जाती हूँ। जा रहे हैं नीचे, इनके जो बाबा है वो नीचे आ जाते हैं जहाँ पे पार्किंग है, और वो कहते हैं गाड़ी की चाबी ले आना दूसरी वाली, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी पे जाते हैं। तो फिर हम दोनों नीचे जाएंगे और उसके बाद हम मुझे मैकडॉनल्ड ड्रॉप करेंगे और फिर शेजिल देगी बाबा के पास। बहुत एक्साइटेड, जब हम लोग बाहर जाते हैं ना तो शेजिल बहुत एक्साइटेड होती है बाहर जाने की, और पूरे 1 घंटे बाद शेजिल को रोना आ जाता है कि घर चलते। मैं एलिवेटर से नहीं जा रही, मैं स्टेज से जा रही, बिकॉज आई एम लेट, आई हैव ओनली 4 मिनट्स, और 3 मिनट्स का रास्ता है वैसे तो, लेकिन आई हैव ओनली 4 मिनट्स। सो ये देखिए इन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब ये लोग जा रहे हैं और मैं अपने मैकडॉनल्ड्स में अंदर जा रही हूँ। हाय, से समथिंग। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब। What's your name? Rimsha. Rimsha, the Rimsha. Thank you. Of course. Say something. Hi. No, you say subscribe the channel. Oh, subscribe to the channel. Thank you. What do you say? No, just say subscribe the channel. Subscribe. Something. Say something. What's that for? It's for YouTube. YouTube? Yeah. Say something. Hi. Thank you. Hi. No. Yeah. I don't know. Say something. But what? Well, like subscribe the channel, just like this. All right, subscribe the channel. Thank you. Oh. Say something. No. I'm camera shy. My YouTube channel. Oh no. Hi. तो जब भी मैं मैकडॉनल्ड्स से घर आती हूँ, और ये देखिए मैं कितनी सारी चीज़ें लेके आती हूँ, तो यही तो फ़ायदा है मैकडॉनल्ड्स में काम करने का।
बट उसका एक नुकसान भी है, खा खा के मैं मोटी हो गई. जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बहुत स्मार्ट थी. सो यार, जैसे कि अब आपने अंदर देखा, अंदर सब लोग हंस खेल रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई काम पे आया हुआ है. इसी तरह हम लोग हंसते खेल रहे थे, पता भी नहीं चलता कब इतने ज़्यादा डॉलर्स बन जाते हैं. सो यार, अभी मैं घर आ गई हूँ और अब घर आके तो शेजर को सुलाऊंगी और देखते हैं आगे क्या करना. नहीं से ब्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद मैं सोचूंगी. उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग है, लाइक मैंने थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर की आपसे. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.